सुंदरपुर नाम के गांव में आशा नाम की औरत अपने पति विश्वनाथ के साथ रहा करती थी। उसको दो लड़के थे, एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था सुहास। राजू और सुहास दोनों भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्हें देख आशा हमेशा अपने पति विश्वनाथ से कहा करती थी, हमारे बच्चे कितने होशियार है, हम इन्हें बहुत पढ़ाएंगे और उनको उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। हाँ आशा, मेरी भी यही इच्छा है। हम हमारे बच्चों के लिए बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, अब हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे तो आगे चलकर बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा और विश्वनाथ दोनों भी मजदूरी का काम किया करते थे। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके रुपए कमाते थे। एक दिन सुहास, माँ तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अरे काम करते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, इसीलिए थोड़ी सूजन है। आओ माँ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देता हूँ। अरे बेटे रहने दो, तुम तुम्हारा काम करो। लाओ माँ। ऐसा कहकर सुहास अपने माँ के पैर को तेल लगा देता है। अब दूसरे दिन हर रोज की तरह आशा और विश्वनाथ काम पर चले जाते हैं। तभी दोपहर का समय होता है। कड़ी धूप में विश्वनाथ सीमेंट की बोरी ऊपर लेकर जा रहा था, तभी उसे चक्कर आया। चक्कर आकर विश्वनाथ पांचवी मंजिल से नीचे गिर गया। उसके सर से खून निकलने लगा। ये देख सभी लोग दौड़कर उसके पास चले आए। इतनी भागा दौड़ी देख आशा भी देखने आई कि क्या हुआ है। सामने विश्वनाथ बेहोश पड़ा देख आशा जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में विश्वनाथ को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने विश्वनाथ को देख मरा हुआ बताया। ये सुन आशा वही चक्कर आकर गिर जाती है। आशा के साथ उसकी पड़ोसी सुषमा थी, उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर लेकर चली गई। ऐसे ही विश्वनाथ को जाने के बाद 10 दिन बीत जाते हैं। तभी आशा सुषमा से, अब मैं क्या करूं, बच्चों को कैसे संभालूं? आशा तुम्हें खुद ही बच्चों का सहारा बनना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए कमाना पड़ेगा। हाँ सुषमा तुम सच कह रही हो, मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा होना ही होगा। ऐसा कहकर आशा अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने बच्चों के लिए अगले दिन से काम पर चली जाती है। आशा अब दिन रात मेहनत किया करती थी। वो दिन में मजदूरी का काम करती थी और रात के समय घर के सारे काम करके कुछ सिलाई कढ़ाई का काम भी किया करती थी। उससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन राजू अपनी माँ से, माँ तुम इतना काम क्यों करती हो, तुम ये काम करके कितना थक जाती हो। राजू बेटे तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे ना तब मैं ये सारा काम छोड़ दूंगी और आराम से बैठकर खाऊंगी। हाँ माँ हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तुम्हें तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा करना है। हाँ माँ मैं इंजीनियर बनूंगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। शाबाश बेटे। ऐसा कहकर आशा राजू को गले लगा लेती है और अपना काम पूरा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आशा की मेहनत रंग ला रही थी, उसके दोनों बेटे स्कूल में अव्वल नंबर से पास हो रहे थे। अगले साल राजू 12वीं कक्षा में पूरे जिले में नंबर 1 से पास हुआ था और दूसरी ओर सुहास भी 10वीं कक्षा में पहले नंबर से पास हुआ था। ये देख आशा की आंखें भर आई थी। मेरे बच्चों तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, उसी की वजह से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं। हाँ माँ मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। बेटा मगर उसे तो बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। माँ सर बोल रहे थे कि मुझे मुफ्त में एडमिशन मिलेगा और ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम इंजीनियर बन सकते हो। ऐसा कहकर आशा बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाती है। अब कुछ दिनों बाद राजू शहर में पढ़ाई करने चला जाता है। उसी गांव में विश्वनाथ का एक दोस्त शंकर रहा करता था। शंकर हर महीने राजू जिस शहर में पढ़ता था वहाँ अक्सर काम के सिलसिले में शंकर का आना जाना लगा रहता था। ये देख एक दिन आशा शंकर से, भाई साहब मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बोलिए ना भाभी, क्या काम था? आप दूसरे गांव जा रहे हो तो मेरा एक काम था, राजू के ये 5,000 रुपए देने थे। अरे लाइए भाभी, मैं राजू को पैसे दे दूंगा। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा कहकर आशा शंकर के पास 5,000 रुपए दे देती है। शंकर वो पैसे लेकर राजू को दे देता है। ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा। आशा शंकर के पास पैसे देती रही और शंकर राजू को पैसे देता रहा। मगर कुछ दिनों बाद शंकर के मन में लालच आ गया। आशा ने दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालकर शंकर बाकी के पैसे राजू को दे देता था। ये देख राजू शंकर से, चाचा
माँ ने इतने ही पैसे भिजवाए? अरे हाँ राजू, तुम्हारी माँ कुछ दिन काम पर नहीं गई थी, इसलिए इतने ही रुपए भेजे हैं। ठीक है चाचा। राजू जैसे तैसे उन पैसों में अपना गुजारा किया करता था। दिवाली की छुट्टियों में राजू घर पर आया तो उसे सारी सच्चाई मालूम पड़ गई। वो अपनी माँ से, माँ तुम मुझे हर महीने कितने पैसे भेजती थी? मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए भेजा करती थी बेटा, क्या हुआ? लेकिन माँ मुझे तो शंकर चाचा ने सिर्फ 2 महीने ही 5,000 रुपए दिए, बाद में तो उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपए देना शुरू किया। मगर मैंने तो हर महीने तुम्हें 5,000 रुपए भेजे, इसका मतलब शंकर भाई साहब ने वो पैसे ले लिए? हाँ माँ, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं ये लोग। चलो अभी जाकर शंकर भाई साहब से पूछते हैं। ऐसा कहकर आशा और राजू शंकर के पास चले जाते हैं। उन्हें देख शंकर, अरे आइए ना भाभी, कैसे आना हुआ? भाई साहब मैंने आप पर कितना विश्वास रखकर पैसे दिए और आपने वही पैसे खुद इस्तेमाल कर लिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे भाभी जी वो पैसे तो गए, और आप जितना देती थी मैं उतना ही तो राजू को दिया करता था। उसकी बात सुन राजू को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ से, माँ तुम इनके मुंह मत लगो, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर राजू उसकी माँ को घर लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद राजू बहुत मेहनत करके बड़ा इंजीनियर बन जाता है और सुहास एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। अब आशा सुहास और राजू से, तुम दोनों ने मेरा और तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा किया, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है बेटा। माँ ये सब तुम्हारे बिना नामुमकिन था, माँ ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम दोनों अपनी नौकरी बहुत अच्छी तरह से करना और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना। सुहास और राजू अपने माँ के गले लग जाते हैं। शंकर उस गांव में बहुत लोगों को ऐसे ही ठगा करता था। ये देख एक दिन सुहास उसे जेल में डाल देता है और कहता है, अरे ओ शंकर चाचा अब ये लोगों को ठगना छोड़ दो, नहीं तो जेल में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। सुहास मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सभी के पैसे लौटा दूंगा। हाँ यही तुम्हारे लिए सही होगा। ऐसा कहकर शंकर जेल से छूटके जिन लोगों से पैसे लिए थे उनको पैसे वापस कर देता है। अब आशा अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है। एक गरीब मजदूर माँ भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा जीवन प्रदान कर सकती है। उसकी कड़ी मेहनत आज रंग लाई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना चाहिए और हमेशा अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। हर एक को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है। मुंबई शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवा और उसकी पत्नी सुजाता रहा करते थे। वो दोनों दिन भर मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। उन्हें दो बच्चे थे। जब वो काम पर जाते तब दोनों बच्चे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। एक दिन सोना अपने भाई सूरज से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना हम कुछ बाहर से खाकर आते हैं। सोना हमारे माँ पिताजी कितने मेहनत करते हैं और हम ऐसे बाहर खाएंगे तो हमें पैसों की दिक्कतें आएगी। ठीक है भैया, मगर मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ अभी देता हूँ। सूरज सोना को एक रोटी पर अचार लगाकर खाने के लिए देता है। सोना भी वो रोटी चुपचाप खा लेती है और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिवा और सुजाता घर पर आ जाते हैं। घर पर देखते हैं तो सूरज सोना के साथ खेल रहा था। ये देख शिवा, सूरज आज सोना ने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं पिताजी, सोना तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहती है। और हाँ तुम दोनों की पढ़ाई हो गई या नहीं कि बस खेल ही रहे हो? पिताजी हमने स्कूल से आते ही पढ़ाई पूरी कर ली। चलो मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर शिवा हाथ मुंह धोने चला जाता है। सुजाता किचन में जाकर खाना बनाती है और वो चारों उस दिन अच्छी तरह से खाना खाकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपने बच्चों के लिए शिवा और सुजाता बहुत मेहनत किया करते थे। बारिश के दिन शुरू हो गए थे। शिवा और सुजाता को काम पर जाने के लिए दिक्कत हुआ करती थी, मगर दोनों हर रोज काम पर जाया करते थे। एक दिन रात भर से बारिश शुरू थी, तभी सूरज सुजाता से, माँ आज तुम काम पर मत जाओ, आज बहुत तेज बारिश है। बेटा घर रहकर कैसे चलेगा, काम पर तो जाना ही होगा। माँ आज रुक जाओ ना।
नहीं मेरे बच्चे, घर पर रहकर हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें जाना ही होगा, नहीं तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है माँ, तुम दोनों जाओ, मगर घर जल्दी वापस आना। हाँ बेटे, तुम तब तक सोना का और खुद का ख्याल रखना। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता काम पर निकल जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारा पानी दिखाई देता है। वो देख दोनों जल्दी जल्दी से काम पर चले जाते हैं। काम पर पहुंचते ही वहाँ सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। शिवा सुजाता से, हम खामखा ही आज काम पर निकले, यहाँ देखो कितना पानी है, आज काम तो नहीं हो पाएगा, चलो जल्दी घर चले जाते हैं। हाँ चलिए, नहीं तो यहाँ और पानी बढ़ जाएगा। हाँ चलो। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी बहुत तेज से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देख शिवा और सुजाता बहुत डर जाते हैं। वो एक जगह खड़े होकर बारिश कम होने का इंतजार करते हैं, मगर बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी ही देर में उस जगह कमर तक पानी आ जाता है और वो पानी देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो गए, मगर सुजाता और शिवा को घर जाने की चिंता खाए जा रही थी। सुजाता शिवा से, अगर ऐसे ही घर में पानी भर गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? सुजाता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो हमें जल्दी घर जाना होगा। इतनी बारिश में हमें सावधानी से जाना होगा। हाँ चलो। चलिए, ऐसा कहकर शिवा सुजाता के साथ कमर भर पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। दूसरी ओर सूरज और सोना अकेले घर पे थे। सूरज उसकी बहन के साथ एक जगह बैठा था। उसने देखा कि घर में पानी आ रहा है। वो देख सूरज डर गया और वो सोना के साथ जाकर बेड पर चढ़ जाता है और एक जगह बैठ जाता है। सूरज मन में, माँ पिताजी आप कहाँ हो? आप जल्दी घर आ जाओ। माँ पिताजी कब आएंगे भैया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी आ जाएंगे सोना, तुम चिंता मत करो। सूरज उसको समझा कर एक जगह सोना के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बेड के नीचे पानी आ जाता है। ये देख सूरज बहुत डर जाता है। वो सोना को लेकर छत पर चला जाता है। वही एक जगह सोना के साथ खड़ा रहता है। वहाँ तेज बारिश की वजह से रास्तों पर से पानी बह रहा था। उसमें लोगों के सामान और लोग भी बहकर जा रहे थे। पानी का बहाव देख सूरज बहुत डर जाता है। वो उस ओर देख ही रहा था तभी उसे पानी में उसके माता पिता तैरते हुए आ रहे हैं ये दिखाई देता है। उन्हें देख दोनों बच्चे, पिताजी माँ। माँ पिताजी आप इधर आओ, हमें बहुत डर लग रहा है। माँ, ऐसा कहकर सोना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख शिवा सूरज से, सूरज अपनी बहन का ख्याल रखना और तुम्हारा भी ख्याल रखना। शिवा ऐसे कह ही रहा था तभी तेज बाढ़ आई और दोनों बह गए। पिताजी पिताजी, ऐसा कहकर सूरज बहुत रोने लगा। उसके साथ सोना भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। दोनों भी छत पर एक कोने में खड़े थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद वही दोनों बैठकर सो जाते हैं। सुबह होती है, फिर भी बारिश का पानी कम नहीं होता। ये देख दोनों भी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोना सूरज से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सोना, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या, तुम यही रहना, कहीं मत जाना मेरी बहना। हाँ भैया, मैं यही हूँ। ऐसा कहकर सूरज नीचे घर में जाकर देखता है तो पूरा घर पानी से भरा हुआ था और सब सामान पानी में डूब गया था। ये देख सूरज खुद से, अब मैं क्या करूँ, सोना को क्या खिलाऊ, ऐसा मन में सोच रहा था तभी उसे एक बिस्किट का पैकेट दिखाई देता है जो कि पानी में तैर रहा था। थोड़ी मेहनत करके लकड़ी की सहायता से सूरज वो पैकेट उठा लेता है और उसे लेकर छत पर चला जाता है। सूरज सोना से, सोना ये बिस्किट खा लो, यही मिला है। ठीक है भैया। सूरज सोना को बिस्किट खिलाता है और खुद थोड़े खाकर वहीं बैठ जाता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। पानी की बाढ़ कुछ कम ही नहीं हो रही थी। ये देख सूरज बहुत चिंतित दिखाई देता है। तभी उसे एक नाव पानी में दिखती है। वो जोर जोर से उस नाव की ओर आवाज देता है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, प्लीज हेल्प। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वो नाव उनके तरफ आई और उन्हें छत से निकाल कर नाव में बैठा दिया। चाचा आप हमें कहाँ लेकर जाने वाले है? बच्चों, पड़ोसी गांव में एक धर्मशाला है, वहाँ सभी लोग ठहरे हुए हैं। मैं तुम्हें वही ले जा रहा हूँ। मेरे माँ पिताजी भी पानी में बह गए।
जो भी लोग पानी में बह गए थे उन्हें वहां निकाला गया है। शायद तुम्हारे माँ पिताजी वहां मिल जाए। चलो हम वहां जाकर देखते हैं। जी चलिए चाचा। ऐसा कहकर नाव वाला बच्चों को सही सलामत दूसरे गांव लेकर चला जाता है और धर्मशाला में उतार देता है। वहां जाते ही सूरज और सोना अपने माँ पिताजी को ढूंढते हैं। उन्हें एक जगह सुजाता और शिवा बहुत रोते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख सूरज और सोना उनकी ओर दौड़कर चले जाते हैं। माँ पिताजी आप कहाँ चले गए थे? बच्चों हम पानी में बहकर यहाँ आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। दोनों एक दूसरे को गले लगकर बहुत रोते हैं और मन ही मन शिवा और सुजाता भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बाढ़ की वजह से कितने घर ऐसे ही बर्बाद हो गए, कई लोगों की जाने चली गई, कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए। ऐसे कठिन समय में हम सबको मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। हरिहर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी सुमति, बेटा अशोक और बेटी सुधा रहा करती थी। राघव हर दिन खेत में काम करके अपना गुजारा किया करता था। अशोक भी अब बड़ा हो रहा था। अशोक का कॉलेज पूरा हो जाने के बाद अशोक नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए एक दिन राघव अशोक से, बेटे जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ खेत में काम किया करो। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ काम करूंगा। चलो आज से ही मेरे साथ काम पर चलो। ऐसा कहकर राघव अपने बेटे अशोक के साथ चला जाता है। अब अशोक भी उसके साथ काम किया करता था। अशोक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने हमारी खेती के साथ दो भैंसे पाल ली तो हमारा फायदा ही होगा। अशोक तुम सही कह रहे हो, मगर जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तब इन भैंसों का कौन करेगा? पिताजी वो देखा जाएगा, फिलहाल हम भैंसे ले लेते हैं। ठीक है बेटे। राघव अब दो भैंसे खरीद कर लाता है और भैंसे खरीदने के बाद उन्हें घर जाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसकी दो भैंसे बहुत दूध दिया करती थी। वो दूध राघव बाजार जाकर बेचा करता था। कभी कभी सुमति दूध का छाछ भी बनाया करती थी। वो छाछ इतना स्वादिष्ट बनता था कि उनके घर के सभी बड़े स्वाद से पिया करते थे। एक दिन उसकी माँ सुमति की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जी उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उनका हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कितना खर्चा आएगा लगभग ऑपरेशन को? खर्चा तो बहुत आएगा, लगभग 5 लाख तक। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके पास उतने रुपए ना होने के कारण वो सोच में डूब गए और पैसे कहां से लाए इसके बारे में सोचने लगे। तभी अशोक राघव से, पिताजी हमारे पास कितने पैसे हैं? सब कुल मिलाकर 1 लाख ही होंगे, बाकी के पैसे कैसे आएंगे? अशोक पिताजी हम हमारी जमीन बेचकर माँ का ऑपरेशन करवा सकते हैं। वैसे भी इतने पैसे कहाँ है हमारे पास, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, भैंसे बेचकर कुछ नहीं होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर देखता हूँ, कुछ पैसे अगर उधारी मिल जाते हैं तो अच्छा ही होगा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राघव सरपंच जी के घर चला जाता है। राघव सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते राघव, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, अगर आपके यहाँ से मुझे कुछ मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कितने रुपए चाहिए थे राघव तुम्हें? जी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। मगर इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ राघव? तुम एक काम करो, तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और पैसे लेकर जाओ। राघव बड़ी दुविधा मनस्थिति में पड़ गया। उसने आगे पीछे ना सोचकर अपनी जमीन बेच डाली और सरपंच जी से पैसे लेकर अस्पताल में सुमति का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद सुमति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसे स्वस्थ देख सभी खुश थे, मगर अब अशोक और राघव दिन भर सोच में डूबे रहते थे। उनकी खेती भी चली गई थी और कमाने का कोई जरिया अब उनके पास नहीं था, सिर्फ एक भैंसों का सहारा था। उनके भरोसे घर तो नहीं चल सकता था। एक दिन सुधा अशोक से, भैया माँ कितना अच्छा छाछ बनाती है, हम अगर छाछ बनाकर बेचे तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हाँ विचार तो तुम्हारा अच्छा है सुधा,
मगर हमारे गांव में छाछ इतनी मात्रा में नहीं बेचा जाएगा, ये शहर में बेचा जाए तो मुनाफा होगा। हाँ भैया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम शहर में जाकर दिन भर रेड़ी पर छाछ बेचेंगे, इससे हमें समझेगा कि लोगों को छाछ पसंद है या नहीं। हाँ, मैं कल ही शहर जाकर छाछ बनाकर बेचता हूँ। ठीक है भैया। ऐसा कहकर सुधा और अशोक जल्दी सो जाते हैं और अगले दिन सुधा अशोक को छाछ बनाकर देती है और कुछ दही साथ में लेकर अशोक शहर पहुंच जाता है। एक रेडी देखकर अशोक वो रेडी किराए पर लेता है और उस रेडी पर अपना लाया हुआ सामान रख देता है। पहला ही दिन होने के कारण रेडी पर कोई नहीं आया। उसने शाम होने पर छाछ तो फेंक देना पड़ेगा, इसलिए पूरा छाछ मुफ्त में बांट दिया। छाछ ले लो, ताजा ताजा छाछ ले लो। उसकी बातें सुन आने जाने वाले लोग अशोक के पास जाकर छाछ मुफ्त में पीने लगे। एक आदमी अशोक से, अरे भाई, तुम्हारा छाछ तो बहुत स्वादिष्ट है और मुझे तो यह बहुत पसंद आया है। आज से मैं हर रोज छाछ पीने आऊंगा। जी जरूर आइए। ऐसा कहकर अशोक सभी लोगों को छाछ देता है। कुछ ही देर में उसका सारा बनाया हुआ छाछ खत्म हो जाता है और अशोक घर चला जाता है। आज उसकी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए अशोक थोड़ा नाराज था। मगर उसने छाछ शाम के समय में फ्री दे दिया, इस वजह से खुश हुए लोग और उसकी छाछ की प्रशंसा करने वाले लोग देखकर अशोक खुश था। अगले दिन अशोक सुबह उठकर अपना सारा काम करके सारी तैयारियां करके शहर निकल जाता है और शहर जाते ही रेडी किराए पर लेकर उस पर छाछ का सारा सामान रख देता है। सुबह होने के कारण अशोक के रेडी पर बहुत कम लोग आते हैं। जैसे ही दोपहर होने लगती है उसके रेडी पर लोग आने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, बेटे मुझे एक ग्लास छाछ देना। जी अभी देता हूँ। ऐसा कहकर अशोक बूढ़े आदमी को एक ग्लास छाछ दे देता है। बूढ़ा आदमी छाछ पीकर पैसे देकर वहां से चला जाता है। अशोक के रेडी पर दिन भर में बहुत सारे लोग छाछ पीने आते हैं और उसके हाथ की छाछ पीकर सभी लोग उसकी तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अशोक की दिन भर की कमाई अच्छी होने के कारण आज वो बहुत खुश था। अशोक आज जल्दी घर चला जाता है और खुशी खुशी अपने सारे काम करने लगता है। उस दिन से अशोक सुबह जाकर अपना छाछ बनाकर रखा करता था। छाछ भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। अब अशोक का पूरा महीने भर का खर्चा उसकी छाछ बेचने से निकल जाता था। आज अशोक का धंधा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। अशोक ने सरपंच जी को दी हुई खुद की जमीन भी वापस ले ली और अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगा। अब अशोक का शहर में छाछ का दुकान बन गया था और उसके हाथ की छाछ सभी लोग खासकर पीने आया करते थे। अशोक ने घर के हालात देखकर छाछ का धंधा शुरू किया और आज उस छाछ के धंधे की वजह से वो एक कामयाब आदमी बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितनी भी कठिन समस्या आए उसका हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से सामना करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता ही है।